आई गई नहीं मम्मी गाँव में, पैसल से काटा थी सब्जी। ये हमारे खेत में निकला हुआ है भिंडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग हो चुकी है, मम्मी बैठ के काट रही हैं सब्जी यहाँ पे। आज कौन बना था जीजी? कौन बना था आज? आज है पूर्णिमा, आज नहीं खाया जाता चावल और हम हैं चावल पे ही आश्रित, जी रहे हैं चावल पे, कैसे हम वो करें। तो चलिए थोड़ा सा योगा और कर लिया, अभी स्टार्ट कर दिया है। योगा स्टार्ट की थी, बंद कर दी, फिर धीरे धीरे अब स्टार्ट कर रही हूँ योगा। प्रॉपर योगा आएगा करना है, अब स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आलू और परवल की सब्जी बस बन रही है मेरे और मम्मी के लिए, क्योंकि बड़ी मम्मी रहेंगी व्रत। ये रहा परवल जो कि कट गया है, आलू कटने वाला है। मम्मी सब्जी काट ले तो फिर हम बना देंगे, देखते हैं। अब मेरे फ्रेंड का कॉल आ रहा है, मिलने आने वाली, बात करते हैं। वो यहाँ पे सरसों के तेल में लगा दिया है परवल का तड़का, और उसके बाद थोड़ा देर फ्राई करने के बाद मुझे आलू डालना था। कहीं कहीं होता है कि परवल की सब्जी लोग नहीं बनाते हैं, हमारे यहाँ बनता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। मुझे खास तौर से बहुत पसंद आता है परवल आलू की सब्जी, और भुजिया भी पसंद आता है जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू तुरंत डाल दिया था, उसका भी रीज़न था, मैं फटाफट सब्जी बना के निकलना चाह रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी ना सामान रख देती हैं और भूल जाती हैं, तो ये हमेशा से इनकी आदत रही है और इस वजह से रही है, क्योंकि ये जब बातें करती हैं तो भूल जाती हैं कि हमें करना क्या है। या फिर होता ना, एक इंसान बातें करता है लेकिन काम कर लेता है, तो ये जब बात करना शुरू करती हैं तो वो काम ही रोक देंगी करना, हाँ, और बात करने लगती हैं। तो उसमें बात करते हुए कोई सामान रखो तो वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो इन्होंने सेक बनाया था, आई थी, सेक बनाई थी उस दिन, दी थी मुझे, उसके बाद उन्होंने पता नहीं कहाँ ओट्स रख दिया और प्रोटीन पाउडर रख दिया, तो मिल नहीं रहा था और परेशान होकर घूम रही थी। और मेरे को ये भी होता है कि चलो एक दिन का प्रोटीन पाउडर या सेक नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो उसको, जब सब अस्थाई होंगे तब ढूंढ लेना। लेकिन किचन में मैं काम कर रही थी और बराबर ना उसी में ये सामान खोलना वो सामान, पूरा किचन बिखेर के रख दी थी। फिर रूम में गई तो रूम में भी देखा कपड़े वपड़े निकाली हुई थी, बैग, मैं अभी आई थी दो दिन अस्थाई कैसे भी कर रही, मेरे को रूम थोड़ा सा ना अस्थाई होता है तो सही रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। अब मैंने सारा चपत के रखा था और बोले जा रही थी, चीज़ें इधर उधर किए जा रही थी, और मुझे अपने दोस्त के घर जाना था। मैं जैसे मेरे अंदर ना ये रहता है कि 8 बजे मैं सेक पी लूँगी या 7 बजे मैं उठ जाऊँगी, 8 बजे सेक पी लूँगी और फिर नहा लूँगी। मैं ना पूरा अपने मन में तैयारी करके रखती हूँ, फिर उसी के टाइम के हिसाब से मेरे को करना होता है। लेकिन इन्होंने टाइम की गड़बड़ी कर दी, तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं सब्ज़ी तब तक बना लेती हूँ। सब्ज़ी बनाने में पीछे खोज रही थी, इतना घबराहट मुझे हो रहा था और सारे सामान बिखेर के रखी थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो फाइनली मैंने तो लहसुन मिर्च कूट के डाल दिया और नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, थोड़ा देर पकने को छोड़ दिया। फिर मेरे को याद नहीं कि मैं सब्ज़ी डाली हूँ, तो थोड़ा सा नीचे से पकड़ लिया था, लेकिन ऐसा था कि खाने लायक था, फेंकने लायक नहीं, खाए कोई फेंका नहीं। तो यहाँ पे वही मैं मम्मी को बोले जा रही थी, मैंने कहा जब बात करती हो तो ध्यान तो रहता नहीं है कि क्या चीज़ें कहाँ रख रहे हैं, रखती जाती हो और इतना अस्थाई रख दिया कि मिल नहीं रहा है। कभी कभी होता है चीज़ें फेंकी रहो, सही रहता है, मिल जाता है, लेकिन इतना अस्थाई रख दो कि मिलता ही नहीं। तो यहाँ पे नारियल का पानी है जो कि मैंने 1 लीटर वाला जो डिब्बा था ना, तो वो ख़रीद के रखी थी, क्योंकि मेरे को पता है कि गाँव का क्या हाल है। तो वही मैं 2 गिलास पी नारियल पानी। और यहाँ पे मैं बोली कि भुजिया काट सब भुजिया बना के ना तुरंत निकल आती हूँ, नहीं तो मैं रहूँगी। तो इनको देख के मुझे सच्ची में बहुत चिड़चिड़ापन, जैसे कहते हैं ना वो वाला चीज़ हो गया है, गुस्सा आता है कि यार पता नहीं क्यों मुझे वो लोग बड़े अच्छे, मतलब अच्छे नहीं लगते वो लोग जो बातें करते करते भूल जाते हैं कि हम क्या काम करना है। पहले काम को पहले रखो, फिर आप फ्री हो तो बातें करो। तो पता नहीं मम्मी लोगों का समझ में नहीं आता, और मेरा तो आए दिन मम्मी से जंग छिड़ी रहती है। जंग मीन्स लड़ाई नहीं होती, लेकिन मैं कुछ बोलती हूँ वो कुछ बोलती हैं,
तो नाराज़गी चलती रहती है आए दिन, दूसरे तीसरे, और यहाँ पे हमारी सोच नहीं बैठती ना इस वजह से, क्योंकि मैं टाइम और चीज़ों को लेके एकदम फिक्स रहती हूँ, और ये रहता है कि मुझे ये करना है तो वो करना है। और मम्मी का क्या रहता है कि वो काम बात करने लगती हैं तो भूल जाती हैं, उनका कोई टाइम नहीं होता है। तो मुझे ये होता है कि सुबह खाना बना लो, फ्री हो जाओ तब बातें करो, वो 10 बजे तक 11 बजे तक बैठ के बातें इधर उधर झिलाना, उसके बाद खाना बनाना। फिर 1 बजे खाना नहीं मिले तो बोलो कि मैं तो वहाँ नहा के खा लेती थी तुरंत। तो दिल्ली नहीं है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें, अब तो मैं दिल्ली में तो काम भी नहीं करती थी, यहाँ आके बहुत काम कर देती हूँ। मैं सब्जी बना देती हूँ, दाल चावल बस डालना होता है उनको, रोटी मैं छूती नहीं हूँ गेहूँ का, बस यही होता है। और बाकी किचन साफ़ करना, बर्तन धुल देना, झाड़ू अपने रूम का करती हूँ, बाकी झाड़ू तो लगा रहता है, पोछा कर देती हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अब मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ करना चाहिए मुझे, क्योंकि धीरे धीरे करते ऐसे एक रूम नहीं है कि दिल्ली की तरह की बैठ के हम रहें। तो यही सारी चीज़ें, मम्मी से मेरा बहस होता रहता है, जंग छिड़ी रहती है, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, रूम में आने के बाद भी यहाँ पे भी मैं सारी चीज़ें रख रही हूँ, और यहाँ पे से कुंको मिल गया था, बड़ी मम्मी बताई, यहाँ बड़ी मम्मी मीठा चिरा के लिए ना आम काट रही थी। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ गांव वाले अवतार में। मम्मी जा रही है दही छाछ लाने, यहाँ पे दा हम लेते आई। बता मम्मी, 5 रुपये ऑटो देबू उतरबू, इतना गर्मी मरक जरूरत ना है, 5-10 रुपये बचेले कुछ हो ना जाए। कहाँ वो जो रसुआ देखा तू, जहाँ रसुआ बना वाला हो, पेन कटवा और कटवा। मम्मी 5 रुपये दे के ऑटो उतर जाओ, 5 रुपये दे के फिर चढ़ जाओ। तो बस का करे कि इतना धूपे में, हाँ तो जौन पावा ना कुल, तो वो लेके चल जाना। मोबाइल ले जाए बिना बैगिंग डाल के, कि कभी जरूरत पड़े ना। UK 8 का नंबर का चप्पल लगता है, तो मैंने एक स्लीपर मंगाया था, एक वो स्लीपर मैंने वहीं छोड़ दिया कि मैं कभी जाऊंगी तो पहनने का काम देगा। तो बड़ी मम्मी को भी स्लीपर चाहिए था, तो वो कह रही थी कि कोई बड़ा नंबर का स्लीपर मिलेगा क्या। मैंने कहा ये चेक करो, मैंने मंगवाया है 8 नंबर का। तो उनका पैर ना थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा मोटा भी है, तो नहीं आ रहा था। मैंने कहा रहने दो, तोड़ने के लिए मैं दूसरा देख लूँगी। तो यही है, और इस तरीके से मैंने एक मंगवा लिया। पहले मैं रख के गई थी, तो बड़ी मम्मी ने जबरदस्ती डाल के ना उसको तोड़ दिया था पहन के। तो मैं 2 दिन से बिना चप्पल के घूम रही थी, फाइनली चप्पल आ गया, और मम्मी यहाँ पे दूध दही लेने जा रही हैं। पता नहीं आज क्या हुआ था ना, कि मम्मी बड़ा उदास थी और खाना पीना खा के चुप मार के सो गई थी। तो बड़ी मम्मी और हम मज़ा ले रहे थे, कि मम्मी बड़ी मम्मी के वही कह रही थी, बबनी को लग गया है बाहर का हवा, मीन्स कि मम्मी को बाहर का हवा लग गया है, और जो मोमोज खाती थी, पिज्ज़ा बर्गर खाती थी, तो उसकी हवा लग गई है, अब बबनी को गांव में अच्छा नहीं लगा। सच में बताऊं तो मम्मी ने अपने मुँह से बोला कि यहाँ से अच्छा तो वहाँ था, कम से कम गर्मी नहीं होती थी और लाइट बराबर रहता था और सब कुछ सही था, थोड़ा घूमने फिरने को निकल जाते थे। तो मम्मी को मैंने वही ऑब्जर्व किया कि मम्मी को भी ना यहाँ आके उतना अच्छा नहीं लग रहा है, कह तो वही बड़ी मम्मी मज़ा ले रही थी कि बाहर की हवा लग गई है। तो देखिए इस तरीके से 5:30 बज रहा है, ऊपर ही हो रहा है, 6 बज रहा है और धूप हुई पड़ी है। तो यार यहाँ पे तो मुझे फील होता है कि जैसे मैं ना हमेशा 24 घंटा धूप में हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक कमरे में अंधेरा रहता था, तो इस वजह से थोड़ा अंतर तो है, थोड़ा इस माहौल में ढलने का टाइम चाहिए। तो यहाँ पे मैं टहल टहल के सब्जियाँ देख रही थी, ढेर सारे ना टमाटर के पौधे लगे हुए थे और भिंडी के, करेले के, कुछ मैंने लगा रखे थे, कुछ अपने से ही निकले हुए थे, क्योंकि दादी की 13वीं थी, तो उसमें खाना जब बन रहा था ना, तो कुछ टमाटर ऐसे ख़राब जैसे हो गए थे, तो वो लोग फेंक दिए थे जो खाना बना रहे थे भैया, तो अपने से ही ना वो उग गए हैं। और वही मैं देख रही थी, और घास भी बहुत हुई पड़ी थी, उसमें समझ में नहीं आ रहा था
तो मैं वही कह रही थी कि भिंडी टमाटर ना इस बार खूब होंगे, काफ़ी टमाटर गेट के पास इधर उधर। जब मेरी दादी थी तो गुड़हल के फूल में ना डेली पानी डालती थी, और पीछे अमरूद का पेड़ है उसमें पानी बहुत डालती थी कि ना अमरूद हो जाए, गुड़हल ढेर सारे फूल खिले। तो देखिए इतनी भिंडी डेली इतनी इतनी निकल जा रही है, तो मैंने कहा अपने घर के लिए काफ़ी निकल जा रही है। तो वही मैं कह रही थी कि दादी बहुत पानी डालती, तब नहीं हुआ, जब दादी चली गई तो अपने आप ही ना वो अमरूद का पौधा, जैसे वो उसमें ना अमरूद लग गए। यहाँ पे बड़ी मम्मी वही आम जो काट रही थी ना, थोड़ा सा अचार बना रही थी, उसके लिए मसाला वसाला पीस रही थी, और मैं पानी पी रही थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, तो अमरूद में फल आ गए थे, और गुड़हल भी बहुत ज़्यादा खिलता है। तो हम लोग वही याद करते हैं कि दादी जब थी तब चीज़ें होती नहीं थी, अब चली गई हैं तो हो रही हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो इतनी गर्मी की पूछो मत, खूब ढेर सारा मरचा हुआ पड़ा है एक मरचे के पेड़ में, देखो। ये मिर्ची का पौधा मैंने लगाया था, और एक साल से ज़्यादा हो गया, और इतनी सारी मिर्चियाँ दे चुका है ये पौधा, और इस टाइम भी बहुत सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं। जब ये एकदम कड़ी हो जाती है ना, तो तीखी वाली एकदम मिर्ची हो जाती है। बहुत सारी मिर्चियाँ इसमें लगी पड़ी थी, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए आइसक्रीम वाले भैया आ गए थे, और मैं देख रही थी कौन सा आइसक्रीम है। वो वाला ना बटे ऑरेंज वाला, ये कुलता ना खाए के है। वो वाला देखी, हाँ वाला निकला नहीं, मटका वाला कितना का है कर दे। हाँ हाँ वाला देखी, कोनो देखी कोनो वाला। भाई भैया हमारा तो मैदा और गेहूं का परहेज बटे, ही वजह से इमन मैदा गेहूं थोड़ो लगा, मैंने दूध रहा था तो मैदा गेहूं। ये कितने का? 10 10 का। ये देख के ऊपर इतना होई ना पैसा कैश। रुका, हाँ गांव से अम्मा आई थी, तो मार्केट जा रही थी, तो होते हुए जा रही थी, उनकी पोती थी, तो बैठ के बातें कर रहे थे कूलर के सामने। बहुत गर्मी हो रही थी यार, बहुत ज़्यादा गर्मी। और मम्मी यहाँ पे देखिए दही वाले से एक बात, दूध वाले से बात की थी, तो वो दूध और सॉरी यार क्या बोली, दही और छाछ डिब्बे वाला ला के देने के लिए बोला था। मम्मी बोली कि लेते आना भैया, तो यहाँ पे ये दही आई हुई है खाने के लिए। मैंने बोला 1 किलो लेके जमा भी सकते हैं, मम्मी बोले नहीं ये ठीक रहता है। मैंने कहा इसमें कितना होता ही है, और जमा दिया जाएगा तो काफ़ी हो जाएगा। तो दूध भी यहाँ पे ना नहीं ठीक मिलता है, ये प्रोबायोटिक का छाछ मिल गया था, 10 पैकेट था, और सब लोग बोल रहे हैं दूध ले लो दूध ले लो, यहाँ दूध भी नहीं मिलता। मेरा गांव ऐसा है ना कि सब लोग जॉब करने वाले ज़्यादा हैं, बहुत कम लोग हैं जो गाय भैंस रखें, और अगर रखे भी हैं तो अपने पोता पोती या अपने घर के लिए रखें। इस वजह से दूध नहीं मिलता, नहीं तो 1 किलो में तो आराम से अच्छा प्योर दूध मिले तो हो जाए। तो यही आ गया था, चलिए इसी से काम चलेगा, और सॉरी यार इसी में छींक दी। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे।